In Young's experiment, one of these slit is covered with a transparent sheet of thickness given. तो शीट रख दी तो पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया. कितना ऊपर शिफ्ट हो गया? शिफ्ट टू अ पोजीशन. जो पहले वहां पर क्या पाया गया था? 30th फ्रिंज. तो सेंट्रल पॉइंट 30th फ्रिंज पे चला गया. तो आपको ये बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. अब शिफ्टिंग होती क्या है? अगर मैंने ग्लास स्लैब को रखा तो पूरा सेंटर पॉइंट ऊपर कितना शिफ्ट हो गया? इतना डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी अभी करवाया मैंने. और 30th ब्राइट फ्रिंज की दूरी क्या होती है सेंटर पॉइंट से? एन लैमडा डी बाई डी. ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम यूज किया हुआ है. 30 लैमडा डी बाई डी पे मिलेगा. अब वो कह रहे हैं कि इतना शिफ्ट हो गया. कितना शिफ्ट हो गया? जहां 30th मैक्सिमा था. 30th मैक्सिमा कहां पे था? इतनी दूरी पे था. इक्वेट कर लो आंसर आके. तो इधर से 30th मैक्सिमा की दूरी निकाल ली, इधर से फ्रिंज शिफ्ट निकाल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया. पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? फ्रिंज शिफ्ट कैसे सॉल्व करनी है इसमें? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है कि फ्रिंज शिफ्ट कहां मिलेगी? जहां 30th मैक्सिमा मिलेगा. 30th मैक्सिमा कहां पे मिलेगा? एन लैम्डा डी बाई डी पे मिलेगा. इक्वेट करता हूं. तो ये न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब वो थ्योरी आपको पता होगी. फ्रिंज शिफ्ट ये तो होगा नहीं है. सिर्फ ये ही नहीं, आने वाले और न्यूमेरिकल्स भी नहीं होंगे. तो इसके लिए एक ये ऑब्जेक्टिव शीट ओपन करो. सबसे पहले 70 ये लो. 70 देखो, इस शीट को एक बार ओपन करो और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो. तो क्वेश्चन है, इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू YDSC, YDSC है, S1 एंड S2 आर यूजिंग माइक्रोवेव. ठीक है, कोई S1 S2 दो सोर्स हैं और फ्रीक्वेंसी आपको उसने दे दी. सोर्सेज आर सिंक्रोनाइज टू हैव जीरो फेज डिफरेंस. यानी कि वेव निकलते ही फेज डिफरेंस जीरो है. तो इनिशियल फेज डिफरेंस तो नहीं है इनका. डी पता है, स्मॉल डी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है. जिन क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी इसमें चाहिए नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की जगह लैम्डा चाहिए होता है. तो सबसे पहले सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से हम यहाँ से लैम्डा तो निकाल भी लेंगे. ठीक, वो कह रहे आई ऑफ थीटा इज मेजर्ड एज, मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू मेजर की गई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. और आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी. वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल पॉइंट पर क्या होती है? 4 I0. पर ये क्या कह रहा है? आई नॉट ले लो. फाइंड इंटेंसिटी जब एंगल थीटा कितना है? 0, 30 एंड 90. अब ये थीटा क्या है? थीटा फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है. थीटा वही डिस्टेंस है जो अभी पिछले असाइनमेंट में पी पॉइंट का एंगल था. तो अगर पी पॉइंट का एंगल थीटा है तो उस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी आई थीटा है. तो पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? डी साइन थीटा. डी साइन थीटा अभी हमने डिस्कस किया, अगर एंगल थीटा है तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा. तो वहां पर फेज डिफरेंस क्या होगा? फाइव. उस पी पॉइंट पर फेज डिफरेंस होगा दो वेव का, 2π/λ × पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस कितना है? डी साइन थीटा. तो यहां से क्या आ गया? फाइव. डी आपको पता है, तो यहां से वैल्यूज को सॉल्व करके पाई साइन थीटा फाइव आ गया. और हमें भी क्या चाहिए? फाइव. क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये देखो, वैसे क्या होता है? 4 I0 cos² 5/2. पर यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या लेने को कही गई? आई नॉट. तो यहां पर क्या आएगा? आई नॉट इंटू cos² 5/2. फाइव हम निकाल चुके हैं, इस फाइव को यहां पुट कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी. अब आपको तीन न्यूमेरिकल दिए हुए हैं. जब थीटा की वैल्यू जीरो है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? थीटा जीरो पुट करके निकाल लें, थीटा 30 पे पुट करके निकाल लें, और थीटा 90 पुट करके निकाल लें, आंसर आ जाएगा. पर मेन बात यह है, इसमें थीटा का मतलब फेज डिफरेंस नहीं है. थीटा का मतलब पी पॉइंट का एंगल है. और कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जब पी पॉइंट का एंगल गिवन हो, सबसे पहले वहां पर क्या निकलेगा? पाथ डिफरेंस, जो कि डी साइन थीटा होगा. तो डी साइन थीटा से क्या निकलेगा? फेज
डिफरेंस निकलेगा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है, में ये मेंशनड है मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा गिवन है, इंसिडेंट ऑन टू स्लिट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ क्या गिवन है, छोटा डी गिवन है, द इंटरफेरेंस इज सीन ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्या गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, फाइंड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इफ इंटेंसिटी देयर इज आई नॉट इन द एब्सेंस ऑफ प्लेट। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हैं, ये सेंट्रल पॉइंट है, अगर मैं कोई ग्लास प्लेट नहीं रखता तो यहां इंटेंसिटी 4I0 की जगह कितनी है, I0 है। तो ये बताओ अगर मैं यहां ग्लास प्लेट रख दूं तो यहां पे सेंटर पॉइंट पर नई इंटेंसिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो जब I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, जब प्लेट नहीं थी, तो पाथ डिफरेंस इनके बीच में क्या था, जीरो। पर ग्लास स्लैब रखने पे क्या आ गया, पाथ का डिफरेंस, जिस वजह से पाथ डिफरेंस चेंज हुआ तो फेज डिफरेंस चेंज हुआ, और फेज डिफरेंस चेंज हुआ तो इंटेंसिटी चेंज हो गई। तो ये बताओ कि अगर ग्लास स्लैब को रखा गया तो सेंटर पॉइंट पे जब ग्लास स्लैब नहीं रखी तो फेज डिफरेंस क्या था, जीरो, क्योंकि दोनों वेव में बराबर डिस्टेंस कवर करना था, पर ग्लास स्लैब के बाद दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर नहीं किया, रिफ्रैक्शन की वजह से ग्लास प्लेट ने ज्यादा किया और बाकियों ने कम किया, तो कितना किया, म्यू माइनस 1 × t। अब म्यू आपको पता है, टी आपको पता है, तो यह एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया गया सेंटर पे जो कि पहले जीरो था, पर प्लेट रखने के बाद इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा वेव को, दोनों वेव को, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये सेंटर पॉइंट पे पहले पाथ डिफरेंस नहीं आता, अब आ गया, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, 2π/λ × पाथ डिफरेंस इज फेज डिफरेंस, वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3π आ गया। तो सेंटर पॉइंट पे पहले फेज डिफरेंस क्या था, जीरो, स्लैब रखने के बाद फेज डिफरेंस कितना हो गया, 3π। अब इंटेंसिटी क्या होगी, वैसे फॉर्मूला 4I0 होता है, पर उसने क्या लेने को बोला, I0 इंटेंसिटी थी, तो I0 cos square phi by 2 में phi की जगह क्या पुट करेंगे, 3π। तो मेडिकल के लोग cos of 3π by 2 270, cos 270 0, आंसर 0। और इसमें एक और पार्ट पूछा गया है, स्लैब रखने पे पूरी फ्रिंजेस कितना शिफ्ट हो गई, फ्रिंज शिफ्ट निकालो, तो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया, d पता है, म्यू पता है, टी पता है, आंसर। मेथड समझ में आया कि ये स्लैब कैसे काम करती है? ठीक है यहां तक? तो स्लैब की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, बाकी नहीं करना, बाकी डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं इसमें। शीट नंबर 68 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, 2-3, उनमें से पहला क्वेश्चन चेक करें।
तो क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बीटा इज द फ्रिंज विड्थ एंड आई नॉट इज द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फाइंड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो वो कह रहे हैं एक YDSA एक्सपेरिमेंट है और बीटा फ्रिंज विड्थ है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे वैसे 4I0 होता है, पर ये क्या कह रहे हैं कितने I0 है। तो मुझे इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई, मतलब मेरे को ये निकालना है कि अगर ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से वाई डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। पहली बात तो मैंने जो थ्योरी करवाई उसमें इसको मैंने एक्स लिया था, इसने क्या ले लिया वाई ले लिया, हाँ तो कोई बात नहीं। अगर मैं ये एक्स लेता तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो क्या था, एक्स डी बाई डी, पर इस केस में क्या हो जाएगा वाई डी बाई डी। तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी की जगह वाई डी बाई डी, क्योंकि वो पॉइंट वाई डिस्टेंस ऊपर है तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस आ गया इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट का अगर फेज डिफरेंस आ गया तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, फाई की जगह ये पूरा का पूरा यहाँ पुट कर दो आंसर आ गया डन, कुछ भी नहीं है इसमें। वाई डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस निकाल लिया, पाथ से फेज निकाल लिया, फेज को यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। सोल्यूशन लंबा किया हुआ जरूरत क्या सोल्यूशन करने की, वैसे आपको ईजी बता रहा हूँ कैसे करना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है, तो कभी भी वाई डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस निकालना हो तो वाई डी बाई डी, और फेज डिफरेंस निकालना हो 2π/λ से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन किया हुआ है हमने, जरूरत नहीं है इसकी। थर्ड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट बाय अ सर्टन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया कब, जब माइका शीट को इसमें डाल दिया गया जिसकी थिकनेस गिवन है, तो एक पाथ में रख दिया गया, माइका शीट इज देन रिमूव्ड। अब मीडियम दोनों वे में क्या हो गया, वैक्यूम। लेकिन जब माइका शीट थी, फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई, न्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई डी, फॉर्मूला करवाया था आज, इसको एफ एस से रिप्रेजेंट किया, एफ एस का मतलब फ्रिंज शिफ्ट, वैसे मैंने वाई लिखा था, इसे एफ एस कर लिया, कोई बात एक ही बात है। तो फ्रिंजेस इतना डिस्टेंस शिफ्ट हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर मैंने माइका शीट को रिमूव किया और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट को डबल कर दिया, कैपिटल डी की जगह 2D कर दिया, इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, बोलो ये तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, फ्रिंज विड्थ बीटा, दो मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस को बीटा बोलते हैं, दो मिनिमा के बीच में डिस्टेंस को भी बीटा बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमा मैक्सिमा के बीच में क्या आएगा, मिनिमा, मिनिमा की विड्थ है। तो फ्रिंज विड्थ बोलने का यह तरीका है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस इज नाउ सेम एज ऑब्जर्व्ड फ्रिंज शिफ्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि जब मैंने माइका शीट को रखा तो पैटर्न कुछ डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेस हो गया, वो कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ कितनी है, लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, बड़ा डी नहीं, उसने कहा डिस्टेंस क्या करते ना 2D, और ये बीटा की जगह ओमेगा लिख रहे की बात है फ्रिंज शिफ्ट। तो फ्रिंज विड्थ इतनी हो गई, फ्रिंज विड्थ इतनी हो गई,
वो कह रहे हैं जो पैटर्न ऊपर गया था, ऊपर हिला था, और जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम है, तो ये और ये सेम है, इसको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके लैम्डा निकाले, आंसर आ गया। तो मतलब पॉइंट समझ रहे हो, एक पॉइंट कुछ कह रहा है, एक पॉइंट कुछ कह रहा है, दोनों को इक्वेट करवाया जा रहा है हर क्वेश्चन में। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो डिस्टेंस फ्रिंज शिफ्ट कैसे आएगा, ये बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन करने के बाद, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वाई डी एस सी लैमडा पता है, कैपिटल डी पता है, छोटा डी पता है। व्हेन अ फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंट्रोड्यूस इन द फ्रंट ऑफ द लोअर स्लिट, तो मैंने क्या किया, लोअर स्लिट में एक ग्लास स्लैब डाल दी, ये रहा। कह रहे कि अब क्या हुआ, पूरा पैटर्न नीचे हिल गया, देख रहे हो पूरा का पूरा पैटर्न, जो कि सेंटर पॉइंट एन इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट यहां हुआ करता था, अब वो एन इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट यहां पर आ गया, नीचे शिफ्ट हो गया, और यहां पे सेंटर पे क्या आ रहा है, थर्ड मैक्सिमा शिफ्ट टू ओरिजिन, तो थर्ड मैक्सिमा मतलब एन इज इक्वल टू थ्री यहां पर ओरिजिन के ऊपर आ गया, पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन है फाइंड थिकनेस ऑफ द फिल्म। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसके अंदर यहां पर सेंटर पॉइंट पर क्या आ रहा है, एन इज इक्वल टू थ्री मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा, यहां पर एन कितने, थ्री, तो थ्री लैम्डा, यानी कि यहां से और यहां से जो वेव आएगी यहां पे, उनका पाथ डिफरेंस यहां से पता लग रहा है कितने, थ्री लैम्डा। और मैंने आपको ये सिखाया बिना स्लैब के पाथ डिफरेंस तो जीरो होता है, स्लैब के साथ पाथ डिफरेंस क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू टी, तो म्यू माइनस वन इंटू टी पाथ डिफरेंस हो गया, और वो किसके इक्वल होगा, थ्री लैम्डा। यहां सॉल्व करके टी निकाल लेना आंसर, तो किसको किसके साथ इक्वेट किया समझ में आ रहा है, ये ऑप्टिकल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लास स्लैब रखने के बाद कितना शिफ्ट हुआ, कितना पाथ डिफरेंस हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, और ये पाथ डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब ने इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट किया, और जो कि यहां पर थ्री लैम्डा के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर थर्ड मैक्सिमा है, इक्वेट कर दिया। फिर वो एक और चीज पूछ रहे, पोजिशन ऑफ फोर्थ मैक्सिमा। अब एक प्रॉब्लम है, फोर्थ मैक्सिमा अगर ऊपर जाएंगे तो यहां मिलेगा एन इज इक्वल टू फोर, और अगर नीचे जाएंगे तो यहां मिलेगा। अब आपको दो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अगर ये शिफ्टिंग ना हुई होती तो एन इज इक्वल टू फोर जितना ऊपर था उतना नीचे होता है, पर शिफ्टिंग हो गई है तो यहां से डिस्टेंस कम है और यहां से डिस्टेंस ज्यादा है। अब यहां का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहां का डिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर है, तुम कुछ मत करो, तुम बीटा निकाल दो, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा, तो बीटा निकाल दो, लैम्डा डी बाई डी आंसर आ गया। और यहां का डिस्टेंस निकालना है तो देखो, एक बीटा, दो बीटा, तीन बीटा, चार बीटा, पांच बीटा, छह बीटा और सात बीटा, ये देखो सीधा उसने अप्लाई किया, सात इंटू ओमेगा, ओमेगा मीन यहां पर बीटा, और माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ है, तो दो डिस्टेंसेस सीधा फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करके आगे बात ही खत्म हो गई। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसको शुरू करने का, ठीक है यहां तक। और लास्ट क्वेश्चन जो कि बाकी डिफ्रैक्शन के हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो डिफरेंट है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आना है डिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन है, इसमें टू कोहरेंट नैरो स्लिट्स एमिटिंग लैम्डा इन सेम फेस। वो कह रहा है जी इस बार ना दो स्लिट यहाँ पे हैं और स्क्रीन यहाँ पर है और पी पॉइंट है। वो ये कह रहा है कि पी पॉइंट है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, टू लैम्डा है। द लाइट इज कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर लाइट कलेक्ट हो रही है कैपिटल डी डिस्टेंस दूर। आपको बताना है फाइनाइट डिस्टेंस x, x की वैल्यू बतानी है सच दैट इंटेंसिटी एट p इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट o।
ओ और पी की इंटेंसिटी बराबर है, और ओ पे इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमा। तो पी पे भी क्या है? मैक्सिमा। बस एक बात बताऊँ, ओ पे मुझे कैसे पता लगा मैक्सिमा? पर सेंटर तो तब होता है जब एस वन यहाँ, एस टू यहाँ, ऐसे सेंटर। ये तो स्लिट्स का सेंटर नहीं है। अच्छा, सेंटर में पार्ट डिफरेंस क्या होता है? जीरो। यहाँ पे कितना है पार्ट डिफरेंस चेक करो, ओ पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना है? देखो, ओके, चेक करते हैं। देखो इसके एन लैम्डा, बिल्कुल ठीक, एन लैम्डा। देखो इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये ओ और पी मैक्सिमा के पॉइंट है, उसने बोल दिए हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो एक मैक्सिमा की कंडीशन लगेगी। दूसरी बात ये S1O, एक वेव, मान लो ओ पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले, एक वेव S1 से ओ जाएगी, दूसरी वेव S2 से ओ जाएगी, S1O माइनस S2O कितने है? 2 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस ओ पे कितना है? 2 लैम्डा। एन लैम्डा पे मैक्सिमा आता है, ये कितना है? 2 लैम्डा। यहां पर 2 लैम्डा है, यानी कि सेकेंड मैक्सिम है। चलो यहां पे बात समझ में आ रही है, पाथ डिफरेंस यहां पर जीरो नहीं है, ये वो केस नहीं है नॉर्मल वाला, ये एक नया केस है जिसमें पाथ डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। वो क्वेश्चन ये है, एक्स बताओ ताकि पी पॉइंट भी मैक्सिमा का हो। अब पॉइंट ये है कि अगर पी पॉइंट पर एक वेव S2 से जाती है, एक S1 से जाती है, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो ऊपर की वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कम्पेयर टू नीचे की, वह कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? अगर ये 2 लैम्डा, ये थीटा है, तो क्या बनेगा? 2 लैम्डा कॉस थीटा, पार्ट डिफरेंस आ गया। तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा कॉस थीटा है, ये पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा कॉस थीटा मैंने लैम्डा के इक्वल किया, मतलब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि पी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा होगा, यहाँ 2 लैम्डा, तो यहाँ 1 लैम्डा होगा। कोई मुझे इसका आंसर देगा ये 1 लैम्डा क्यों किया? मेरे पास 3 लैम्डा हो सकता था, 4 लैम्डा, एन लैम्डा, ये 1 लैम्डा ही क्यों हुआ? और क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 1 लैम्डा क्यों है? हाँ, कोई कहेगा सर मैक्सिमा का पॉइंट है इसलिए। हाँ मैक्सिमा है, तो अगर ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पर 2 लैम्डा है, तो ये पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा हो सकता है, ये पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा हो सकता है, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, कुछ भी। हमने तो मैक्सिमा प्रोड्यूस करना है ना, सिर्फ 1 लैम्डा ही क्यों है? क्यों? ओके, नियरेस्ट पॉइंट है तो ठीक है, अगर ये 2 लैम्डा या 3 लैम्डा भी हो सकता है नियरेस्ट, फिर 3 क्यों नहीं है ये बता दो फिर। चलो मैं मान गया नियरेस्ट है, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों? इतना ही आंसर है तो बात तो ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब मैंने यहां पर 2 लैम्डा कॉस थीटा को 3 लैम्डा पुट करना है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जानी है, मैथ्स देखो, इसलिए 3 लैम्डा नहीं है, इसलिए एक ही केस बनता है लैम्डा। अब ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, वहां से आंसर आएगा, है कि नहीं? मैथ्स सही क्वेश्चन बनाया उसने, उसने वैल्यू ही ऐसी ली कि फंसेगा ही 1 लैम्डा और कोई आएगा ही नहीं, बाकी कॉस थीटा की वैल्यू रेंज से बाहर हो जाएगी, मेडिकल में नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है,